खैरा साहब नू जिहड़ा पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया। देखो प्रशासन अपना काम कर रहा, जिहड़ा बंदा भी हो गलत काम जिहड़ा करूगा प्रशासन ने अपने तौर दे उत्ते जो दी बंदी कानूनी कार्रवाई है वह करनी करनी है, चाहे खैरा हो चाहे कोई साडा अपने पार्टी का। पंजाब दे कानून नू पंजाब दे हालातां नू कदे भी किसी गलत पासे नहीं तुरन दिता जाऊगा। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान का सीधा संदेश आ, कानून अपना काम करूगा, जिहड़ा कानून दे दायरे तो बाहर होगा उहदे खिलाफ जो बनदी कार्रवाई आ उह होनी होनी आ। पता हुंदा जिहने कोई माड़ा काम कीता हुंदा उहनूं पता हुंदा भी मैनूं किसी वेले भी आके कानून मेरे शिकंजा कर सकदा वा, इस करके उन्होंने वीडियो का भी पहले ही प्रोग्राम बना के रखा होना, क्योंकि गलत काम करने वाले ने अपना बचन का भी राह लभना हुंदा वा। दोस्तों मैं रविंदर सराना स्वागत करता तुहाडा लुधियाना लाइव ते। दोस्तों अज एक प्रकरण होया सवेरे सवेरे जसपाल सिंह खैरा जी नूं पंजाब पुलिस ने चुकया है, हालांकि होर भी राजनीति तो लैके इस तरह के प्रतिक्रिया लोगों की आ रही ने। इस विषय में असी जिदा गल कर रहे हैं वो सेंट्रल हल्के तो MLA दे बिल्कुल सिटिंग MLA अशोक ब्रश पप्पू जी दस चुके हैं। सर की कहना चाहूँगे अज खैरा साहब न जिहड़ा पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया? देखो प्रशासन अपना काम कर रहा, जिहड़ा बंदा भी हो गलत काम जिहड़ा करूगा प्रशासन ने अपने तौर दे उत्ते जो दी बनदी कानूनी कार्रवाई है वह करनी करनी है, चाहे खैरा हो चाहे कोई साडा अपने पार्टी का चाहे कोई दूजा बंदा वा। पंजाब दे कानून नू पंजाब दे हालातां नू कदे भी किसी गलत पासे नहीं तुरन दिता जाऊगा। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान का सीधा संदेश आ, कानून अपना काम करूगा, जिहड़ा कानून दे दायरे तो बाहर होगा उहदे खिलाफ जो बनदी कार्रवाई आ उह होनी होनी आ। जिन्हां ने कोई पहला गलत काम किए हुए उन्हां दीआं इंक्वायरियां हो रही ने, इंक्वायरियां दे विच जे कोई गलत पाया जाता वा उन्हूं उहदी किते दा काम उन्हूं भुगतना पऊगा। पर वीडियो वायरल हो रही है, खैरा साहब कह रहे हैं कि मेरे बैडरूम च आ गए पुलिस वाले, धक्काशाही हो रही, मैंने जबरदस्ती चुके लिजाया जा रहा है। वीडियो लई तां खैरा साहब पहले ही बहुत मशहूर ने, वो वीडियो तो बनाउण दे विच उन्हां दा अगर नंबर दिते जाण तां पहला नंबर खैरा साहब का ही आऊगा। पता हुंदा जिहने कोई माड़ा काम कीता हुंदा उहनूं पता हुंदा भी मैनूं किसी वेले भी आके कानून मेरे शिकंजा कर सकदा वा, इस करके उन्होंने वीडियो का भी पहले ही प्रोग्राम बना के रखा होना, क्योंकि गलत काम करने वाले ने अपना बचन का भी राह लभना हुंदा वा। दूजे साफ बंदे नूं तां लोड़ ही नहीं वीडियो की, हुण तुसीं मैं बैठे हाँ आपां अपने घरां दे विच वीडियो थोड़ा चालू रखते हैं, जे कोई आ भी जाता वा उन्हां दीआं पहले ही वीडियो चालू हुंदी ने, इस करके उन्होंने गलत काम किए हुए पिछले समयां दे विच अज उन्होंने कानून उन्हां दी जगह दिखा रहा वा। देखो ताड़ी सरकार ने कहा सीगा कि शहीद आजम भगत सिंह दी असी सोच ते चलांगे, अज चलो उन्हां दा जन्म दिन है, तुहानू की लगता है कि सरकार जो अपने वादे किए ने, हालांकि एक महिला के खात्यां विच आना है, विरोधी आरोप ला रहे ने कितना कितने पंजाब के सिस्टम नू ए वरत रहे ने, कितना तुसीं देखदे इस चीज़ नू? सब ना पहला तो मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह की सोच तो उन्होंने चरणों के शीश झुकाना और श्रद्धा सुमन भेट करदा, क्योंकि उन्हां महान योधिया के करके असी अज जिहड़े आजादी के दिहाड़े मना रहे हैं ये उन्हां दी देण आ। कोई असी लोग जिहड़े अज ये समाज के लोग तुरे फिरदे हैं ये उन्होंने अपनियां जानां दे के सानू आजादी दवाई है, इस करके वह महान योधे दे नाल जो दा दस्या होया रस्ता वा साडे मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान, देख लो उन्होंने जन्म दिहाड़े उन्होंने पिंड दे विच अज भी गए आ, इस करके जो साडे शहीदां ने सानू दिता वा जिहड़ी आजादी दा निग मान रहे हां असीं उन्हां नूं सदा नमस्कार करदे हां। फिर की कहना चाहोगे फिर उही गल कि कारपोरेशन इलेक्शन बहुत देर हो गई है, विरोधी बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इन्हां दी कोई तैयारी नहीं है, इन्हां नूं सरकार नहीं हजे सिस्टम समझ आ रहा, कारपोरेशन इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो? देखो गल सुनो, भाजपा नूं कहो पहला कांग्रेस ही है तो लै जाओ जिन्हें लैके जाने आ, जिन्हां नूं तुसीं वाइट कालर वाले बना रहे हो करप्ट बंदियां नूं वह लै जाओ, असीं कारपोरेशन दे इलेक्शन करा ही देने आ। पंजाब दी जनता 3 करोड़ बहुत सियाणी हो चुकी, ये जिहड़ी साढ़े 3 करोड़ जनता पंजाब दी
इन्हां नूं फिर दिखा दूंगे जिवें विधानसभा 92 मैंबर चुन के अपनी सूझवानी नाल अजकल दे बच्चे पढ़े लिखे आ उन्हां नूं सब पता वा भी किहड़े बंदे जुमले छड्डदे आ इलैक्शनां 'च पौणे 5 साल बाद किहड़े बंदे कम्म करदे आ जे 17 महीनियां 'च जे लोकां नूं कम्म करके दिखाया होऊगा ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੌਸ ਬਣੂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਊਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੈਅ ਕਰੂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਜਨਤਾ ਚਾਹੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੱਪੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਪੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਟਖਟ ਕਲਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੱਸੂਗਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਚੁਣੂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਲਈ